It's my proud privilege to call upon the stage founder Diamond, Gangadharul, Kaushik and Shubha Datta in virtual stage. Thank you, Asim. Good evening. Good evening, India. क्योंकि पूरे इंडिया आज देख रहे हैं और ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है और हम आभारी है कि हमारे अपलाइन ने हम लोगों को चुना है आज का ये हिस्टोरिक जो मीटिंग हो रहा है इसमें हम लोग स्पीकर है ये सचमुच वी आर ग्रेटफुल क्योंकि पूरे एडीएसयू टीम के लिए हम लोग एक साथ कभी मीटिंग नहीं कर पाए आज ये सिचुएशन में जब डिजिटली मीटिंग हो रहा है तब ये संभव हुआ है कि पूरे टीम के लिए एक साथ बात करता जहां पर 7,000-8,000 लोग पूरे टीम के एक साथ देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया लग रहा है और शांतनु पंडित ने काफी इस वक्त का जो सिचुएशन में हम लोगों को चेंज लाना है क्या करना है इसके बारे में बहुत कुछ बताया लेकिन ये लीडरशिप मीटिंग है मुझे मालूम है यहाँ कोई पिन लेवल का रेस्ट्रिक्शंस नहीं है और बहुत सारे नए लोग भी हैं इस मीटिंग में जो लोग खुद को लीडर समझते हैं वो लोग भी इस मीटिंग में हैं तो बहुत लोग हम लोगों को पहचानता नहीं उन लोगों के साथ थोड़ा इंट्रोडक्शन चाहिए हम लोग अपना परिचय दे देते मैं कौशिक और सुबह हम दोनों पिछले 22 साल से एमवे बिजनेस कर रहा हूँ जब बिजनेस शुरू किया था उस वक्त हमारे बैकग्राउंड था हम दोनों एंथ्रोपोलॉजी में एमएससी किया उसके बाद मैं एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में था वहां पर नौकरी कर रहा था और सुबह एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में था जहां पर वो सिविल सर्विस एग्जाम दे के उनके नौकरी मिला था तो दोनों ही ऐसा सोचा था कि हम दोनों जिंदगी भर नौकरी करेंगे लेकिन भगवान के दूसरा कुछ इच्छा था प्लान था और हमारे एक कॉलीग उनके जरिए ये बिजनेस आया और वो हमारे आज जिंदगी में सबसे बड़ा फ्रेंड है जो हम लोगों को ये बिजनेस दिखाया था देवाशीष एंड मीता सरकार और देवाशीष मीता जब प्लान दिखाया तब हमने डिसीजन लिया ठीक है हम करेंगे लेकिन वो था शुरुआत कि बिजनेस शुरू करेंगे लेकिन धीरे 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 बिजनेस प्लान समझा बार बार मीटिंग में जाकर प्लान देखकर जब समझ में आया इस बिजनेस का क्या पोटेंशियल तब ये बिजनेस शुरू किया उस वक्त हमारे साथ जो अपलाइन लोग था आज उन्हीं के टीम के लिए हम लोग सब मीटिंग कर रहे हैं एक साथ सुभाषिष सुजाता घोष अशिता व सीता दत्ता हाँ और हम सबको मालूम है कि हमारे तीर्थंकर सुपर्णा और कांति लता काला की टीम है क्योंकि ये हमारे एलओएस जिसके लिए हम प्राउड है कि वी आर द इन बेस्ट एलओएस हमारे जो एलओएस है ये सबसे बढ़िया एलओएस है और इस टीम में सब कोई डायमंड्स बन सकता है तो ये 22 साल में बहुत कुछ सीखा है और एक तरीके से हम लोग बिजनेस कर रहे थे अचानक ये पिछले 4 महीने हमारे जिंदगी में पूरा चेंज हो गया हाँ संतनु ने जो बोला था कि हाँ अभी जो चेंज करना है वो तो हम लोग कर रहे हैं लेकिन 100% नहीं हुआ है हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं हम लोग भी सीख रहे हैं और मैं यही बोलूंगा कि आप लोग भी इसको प्रायोरिटी दीजिए और ये ग्रेजुअली इस बिजनेस को डिजिटली करने के लिए आप चेंज करते रहेंगे हाँ अचानक चेंज तो नहीं होगा ग्रेजुअली चेंज होगा फर्स्ट मेंटली हमको चेंज करना है हम जब बिजनेस शुरू किया था ना उस वक्त हम लोगों को बोला गया था कि एमवे बिजनेस करने के लिए ये ब्रिट एडुकेशन सिस्टम जरूरी है क्योंकि ब्रिट एडुकेशन सिस्टम में हजारों लीडर्स के जो सक्सेसफुल है पूरे दुनिया में उनका जो एक्सपीरियंस है उसको कॉन्सेंट्रेट करके सिखाया जाता है तो उनमें हमने देखा कि पहले जो किताब हमको पढ़ने के लिए दिया गया था लॉन्चिंग योर फ्यूचर और जो मीटिंग में जाता था सब जगह में एक नया बात सुना और आप जो लोग यहाँ पर है शायद ट्रेनिंग में आप भी वही सुना है कि सबसे पहले आपका ड्रीम क्या है फिर उसी के हिसाब से आपका गोल सेट कर लीजिए फिर प्लानिंग कर लीजिए ये जब बात सुना ना तब हमको लगा क्या ड्रीम है एक्चुअली हम लाइफ में क्या चाहते हैं अगर हम लाइफ में क्या चाहते हैं ये क्लियर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे वो कैसे क्लियर होगा
हम तो ऐसे ही करते ना, जिंदगी भर ऐसा ही किया, हम जो चाहते हैं उसी के हिसाब से हम काम करते हैं। वाइज जब जब तक का क्लियर हो जाए हम तो काम नहीं कर पाते प्रॉपर वे से। सो सबसे पहले बात है कि हम जिंदगी में क्या चाहते हैं एक्चुअली, और एमवे बिजनेस हम लोगों को जो ऑफर करते हैं उसमें से क्या क्या हम कर सकते हैं, हम जो चाहते हैं क्या वो फुलफिल हो सकता है, तभी ये मैच करेगा। सो ये तब हम गोल सेट कर पाएंगे। और उस वक्त ब्रिज सिस्टम ने ये भी सिखाया गया था हम लोगों को कि यहाँ पर एक तो एक प्रायोरिटी हायरार्की है, कैसे हम काम करेंगे। उसमें ये बोला गया कि सबसे ऊपर है गॉड, फिर फैमिली, फिर प्राइमरी ऑक्यूपेशन, देन एमवे बिजनेस। और ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन और एमवे बिजनेस के बीच में जो है उसको अभी पोस्टपोन करना है, क्योंकि दिन तो 24 घंटे का है, 24 घंटे के अंदर सब कुछ करना है। और पहले जब एमवे बिजनेस नहीं करता था तब तो कुछ करता था उस वक्त, अभी जब एमवे बिजनेस शुरू किया तो अचानक सब कुछ कैसे हम मैनेज करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल था हम लोगों का। और उस वक्त जब शुरू किया था तब हमने ये देखा कि आफ्टर प्राइमरी ऑक्यूपेशन बहुत सारे चीज में हमारा इंटरेस्ट, टीवी देखना है, सिनेमा देखना है, फिल्म बहुत देखता, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था वो फुटबॉल क्रिकेट सब कुछ, फिर दोस्त के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना, रिलेटिव के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना ये भी अच्छा लगता था, ये भी प्रायोरिटी था, लिटरेचर पढ़ना, पेंटिंग करना, क्लासिकल म्यूजिक सुनना, एक के बाद एक, पर इसका खत्म ही नहीं होगा, इतना प्रायोरिटी। और ये सब कितने सारे चीज था तो हम लोगों को बोला गया कि, और एक सबसे बड़ा हमारा जो पैशन था वो है ट्रेवलिंग। साल में 6-7 बार हम घूमने के लिए जाते थे, हिमालय बहुत पसंद होता था कि इसलिए हम लोग साल में 1-2 बार तो हिमालय भी जाना पड़ता था, ट्रेकिंग भी चले जाते थे। तो ये हम लोगों का पैशन था, लेकिन जब ये देखा कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन और उसके बाद एमवे बिजनेस, इसके बीच में कुछ नहीं रहना है, तो मुश्किल लगा। बहुत नए लोगों को ये मुश्किल लगता है, मुझे भी लगा था। और हम लोग ये एडजस्ट कर रहे थे, हम लोग सोच नहीं पा रहे थे क्योंकि तब तक हमारे वाई क्लियर नहीं था। लेकिन जिंदगी में क्या चाहता हूं वो क्लियर था। मैं जो नौकरी में था, नौकरी हमको अच्छा लगता था, काम करना अच्छा लगता था, जॉब सेटिस्फेक्शन था, लेकिन इनसिक्योरिटी था, कभी भी नौकरी जा सकता है। सुबह जहां नौकरी करती थी वो अच्छा है, ठीक है, उसका उतना जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं था, फिर भी गवर्नमेंट जॉब है, यही सेटिस्फेक्शन था। लेकिन वहां हर 3-4 साल बाद बाद ट्रांसफर हो जाता था, इसलिए भी बहुत हम लोगों को लगता था अरे ये तो फैमिली लाइफ ही हम एक साथ नहीं गुजर पाएंगे, आफ्टर रिटायरमेंट हमारा फैमिली लाइफ होगा, ऐसा सोचा था। तो हम लोगों के पास एक प्रायोरिटी आ गया कि लाइफ में हम क्या चाहते हैं, लाइफ में हम एक साथ रहना चाहते हैं, और दूसरा क्या है कि हम ये जो इनसिक्योरिटी है इससे निकलना चाहते हैं। लेकिन इससे तो छुटकारा पाने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था, हम लोग सोच ही लिया था कि रिटायरमेंट तक यही करना पड़ेगा। तब ये हमको दिमाग में आया, अगर ये जब एमवे बिजनेस के ऊपर फेथ आया, देखा कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस को कर रहा है जो हमसे भी प्रोफेशनली अच्छा करियर है, जो हमसे ज्यादा इनकम करते हैं, वो लोग इस बिजनेस सक्सेसफुली कर रहा है और वो क्यों कर रहा है, ये जब समझ में आ गया तब हमने सोचा कि हाँ ये बिजनेस करने से हम अपना जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन उसके पास साथ साथ ये बिजनेस बिल्ड करने से हमको एक दूसरा रास्ता भी मिल जाएगा। पहले ये ऐसा नहीं सोचा था कि इसमें हमारा पूरा जिंदगी बदल जाएगा, लाखों रुपया इनकम होगा, करोड़ों रुपया इनकम होगा, ये सब हमने सोचा नहीं था। हमने सोचा ये एक रास्ता है, फिर इसको थोड़ा प्रायोरिटी दिया, जो इवनिंग में हम लोग करते थे उसको बंद कर दिया, जैसे पिक्चर देखता था बंद हो गया पिक्चर देखना, टीवी देखता था बंद हो गया टीवी देखना, धीरे 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 हम लोग पोस्टपोन करते गए, प्रायोरिटी शिफ्ट होना शुरू हो गया। जब यहां से इनकम आना शुरू हो गया, बहुत ज्यादा नहीं,
2,500, 5,000, 10,000 जब इनकम आना शुरू हो गया तब तक समझ में आ गया कि इस बिजनेस के जरिए हम लोग फ्री हो सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग हो रहे हैं, हम भी कर सकते हैं, ये विश्वास आ गया। उस वक्त हम लोगों ने पोस्टपोन कर दिया था, हमारे जो ट्रेवलिंग बंद हो गया, हम लोग घूमना बंद कर दिया था। मुझे जितना याद है सुबह 2-3 साल हम लोग कहीं नहीं गया। फर्स्ट हम लोग ALS गया 2000 में बैंकॉक, वो बैंकॉक हमारा पहला ट्रिप था जो हम टूर करने के लिए गया था। ALS तो मजा करने के लिए, घूमने के लिए, और फॉरेन ट्रिप, ये पहला हमारा फॉरेन ट्रिप था भूटान नेपाल छोड़ के। तो ये हमने सोचा कि अरे अगर यहाँ पर हमने प्रायोरिटी देंगे तो ऑटोमेटिकली हमको कुछ तो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम तो 24 आवर्स है। ये दोनों चीज एक साथ है, अगर हमको एमओए बिजनेस से कुछ लेना है, कुछ पाना है, तो कुछ हमको अभी बंद करना है, जिंदगी भर के लिए नहीं, कुछ दिन के लिए पोस्टपोन करना है। ये दोनों एक ही साथ होता है, प्रायोरिटी का मतलब ही पोस्टपोन करना। बचपन में सोचिए, बचपन में जब हम लोग, मैं तो मेरा बात बोल सकता हूं, पूरे साल में स्कूल में क्लास होता लेकिन घर में जो पढ़ाई करना वो कितना करता मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन ये मुझे याद है जब शेड्यूल निकल जाता था एग्जाम का, वो एग्जाम का शेड्यूल निकल जाने के बाद हमारा पढ़ाई चालू होता, वो 1-1.5 महीने प्रायोरिटी शिफ्ट हो जाता, खेल कूद बंद, सब कुछ बंद, तब सिर्फ हम पढ़ाई करते थे। और मुझे मालूम था कि वो 1-1.5 महीने अगर पढ़ेंगे तो एवरेज रिजल्ट लेकर निकल जाएगी, बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत बुरा भी नहीं होता, क्लास में 4th 5th ऐसा रहता, 1st 2nd 3rd नहीं होता। लेकिन इसमें क्या है, वो 1-1.5 महीने का जो प्रायोरिटी, वो अगर ज्यादा देते तो रिजल्ट और भी अच्छा हो सकता था, लेकिन हमने क्या किया, वही 1-1.5 महीने हमने प्रायोरिटी दिया। तो वो बात याद आया कि एग्जाम के पहले हम लोग प्रायोरिटी देते थे कि अभी सब कुछ बंद, अभी सिर्फ हमको पास करना है, अच्छा मार्क्स लेना है, तो वही काम शुरू किया। फिर याद आ गया कि ये एग्जाम टाइम है, अभी हमको प्रायोरिटी देना है, जो हमारा मनपसंद जो पैशन का चीज है वो थोड़ा हम रुक के रखेंगे, बाद में करेंगे, बाद में बहुत होगा। और वही हुआ, हम लोग जो ट्रैवलिंग बंद करके रखा था उसके बाद कितने साल, 2000 से लेकर 2019 तक लास्ट इस्तांबुल ट्रिप, उसके बाद हम लोग खुद निकले, हम लोग खुद गए अरुणाचल प्रदेश गए, यहाँ वहां गए, लेकिन वो हम अभी करते हैं, साल में 6-7 बार हम घूमते हैं, लेकिन उस वक्त हमने पोस्टपोन किया था, प्रायोरिटी दिया था एमओए बिजनेस बिल्ड करने का, क्योंकि ब्रिट सिस्टम में यही सिखाया गया कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन और जो तुम्हारे एमओए बिजनेस, इसके बीच में अभी कुछ दिन कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए हम लोगों ने वैसा ही काम किया। फिर जब डायमंड शिप के पहले ऐसा भी हुआ, वो प्रायोरिटी में तब तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन हमारा एमओए बन गया दोनों का, क्योंकि नौकरी हम नहीं करते, छोड़ दिया बहुत दिन पहले, क्योंकि नौकरी का इनकम से बहुत ज्यादा इनकम यहाँ से हो रहा है, इसलिए हम लोग नौकरी छोड़ दिया। हम लोगों को नौकरी करना अच्छा नहीं लगता था इसलिए छोड़ा, हमारे बहुत सारे दोस्त अभी भी करता है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन के साथ ये बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है, तो हमने प्राइमरी ऑक्यूपेशन तो अभी एमओए बिजनेस हो गया। तो इसका मतलब क्या है, अभी हमारे जो फैमिली के कुछ चीज है उसके ऊपर भी बीच बीच में चला जाता, जब हम डायमंड शिप के लिए काम कर रहे थे तब वो फैमिली के ऊपर भी प्रायोरिटी चला जाता, फैमिली के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बाद में थोड़ा होगा, 1 महीने बाद होगा 2 महीने बाद होगा, अभी डायमंड शिप के लिए काम करना पड़ेगा। जब बड़ा पिन ब्रेक करने के लिए तब भी प्रायोरिटी देना पड़ा, तब भी पोस्टपोन करना पड़ा कुछ, और बाद में वो हम कर पाए, बाद में हम कर सका फ्रीली, बस उस वक्त हम कुछ टाइम के लिए प्रायोरिटी दिया था। सब प्रायोरिटी नहीं देने से हम कभी हमारा गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, और जिंदगी में हम जो कुछ चाहेंगे उसको वो नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जब जो चाहते हैं वो भी मिलेगा, और हम जैसे जिंदगी में सब कुछ कर रहे हैं सब कुछ होगा करेंगे, उसके साथ साथ ये भी होगा, ये नहीं होगा। यही पर प्रायोरिटी का इम्पोर्टेंस है, और वही पर
हमको सेक्रीफाइस करना है कि हमको पोस्टपोन करना है कुछ चीजें जो हमको अच्छा लगता है। और इसके बाद आता है प्लानिंग। जब भी हम प्रायोरिटी देंगे और क्या क्या पोस्टपोन करना है हमको ये तय कर लेंगे ना, उस वक्त ही हमारा प्लानिंग चालू हो जाता है। प्लानिंग से ही हमको पता चल जाता है कि हमको क्या क्या करना है और क्या क्या पोस्टपोन करना है, हमारा प्रायोरिटी क्या होगा और हमको क्या क्या अभी बंद रखना है और कहां से हमको टाइम मैनेज करना है। ये बोला जाता है ना, टाइम मैनेजमेंट और कुछ नहीं है, प्रायोरिटी मैनेजमेंट है। सो ये प्रायोरिटी मैनेजमेंट हमको करने का सीखना है। पहले भी हम लोग करते थे, कैजुअली करते थे, अभी हमको प्रोफेशनली करना पड़ेगा। क्योंकि ये बिजनेस में अब अगर प्रोफेशनली नहीं करेंगे तो हम कैसे करेंगे प्राइमरी ऑक्यूपेशन के साथ ये बिजनेस। मुझे मालूम है जो लोग देख रहे हैं उनमें से 99.99% अपना प्राइमरी ऑक्यूपेशन के साथ ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, हमारे तरह बहुत ही कम लोग हैं। तो आप लोगों को तो बहुत बढ़िया तरीके से ये प्रायोरिटी मैनेजमेंट करना है जो हम लोगों ने किया है, और ये किया जा सकता है, ये इतना मुश्किल नहीं है। और इसके बाद मैं सुबह को बोलूंगा कि जब बिजनेस हमने शुरू किया, जो हमने काम शुरू किया, वो काम में भी हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। क्या हम प्रायोरिटी देंगे, कहां हम बाद में करेंगे, कौन सा चीज पोस्टपोन करेंगे। ये जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, अभी प्लान कर लिया, अभी बिजनेस स्टार्ट हो गया, प्लान के हिसाब से काम करना है, तो उसमें क्या होगा, आइए सुबह से सुनते हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं देख रही हूँ कि पूरा कलकत्ता के जो नेताजी इंडोर स्टेडियम से भी बहुत बड़ा हॉल एकदम खचाखच भरा हुआ है, और इसीलिए मैं एक्साइटेड हूँ कि ये जो विजन 23 है, इसमें आप जितने लोग आज गौर से सुनेंगे, आज डिसीजन लेंगे, प्रायोरिटी देंगे इस बिजनेस को और काम को, नॉट ओनली बिजनेस, इस बिजनेस का जो काम है उसको प्रायोरिटी देंगे, तो हम सब एक साथ A70 में जाएंगे। A60 में जाकर हम आए हैं, ओ लास वेगास, इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आप लोग भी 70 में ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मगर उसके लिए आज से प्रायोरिटी देना शुरू। सोचिए अभी जो सिचुएशन है, अभी हम लोग सब घर में हैं, अब हमारा प्रायोरिटी क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी इज सेफ्टी, एंड फॉर दैट व्हाट वी आर पोस्टपोनिंग, बाहर निकलना है ना। हम लोग बाहर निकल नहीं रहे हैं, बार बार हाथ धो रहे हैं, डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, पहले इतना नहीं करते थे, हैंड वॉश तो पहले भी था, कितने बार हाथ धोते थे, परसों तो कितने दिन से है, कितने बार डिसइंफेक्ट करते थे। मैं तो एलओएस देखती हूँ, हर कोई एवरेज 2-3-4 महीने के बाद बाद पार्सू खरीदता है, मतलब हर दिन नहीं डिसइंफेक्ट करता था, अभी एक दिन में कितने बार डिसइंफेक्ट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी इज सेफ्टी। तो इसीलिए अगर ऐसा हो कि अभी प्रायोरिटी अगर सेफ्टी हो, तो बिजनेस के लिए हम क्या क्या प्रायोरिटी देंगे। कौशिक ने जैसा बोला कि जो लोग नए अभी बिजनेस में आ रहे हैं, हम लोग जब शुरू किए थे तो हम लोगों को किट मिला था, और किट के अंदर 6 प्रोडक्ट्स था, वो सब होम केयर पर्सनल केयर का ही था। हाँ जरूर, अब इम्यूनिटी के लिए आप इम्यूनिटी बूस्टिंग, बहुत सारे न्यूट्रीलाइट का प्रोडक्ट है, आप लेंगे, जरूर लेंगे, मगर कोई अगर बिजनेस बिल्ड करना चाहेंगे तो उसको हम लोग अपलाइन से बात करके ही बोल रहे हैं। वो अगर जैसे प्रायोरिटी शिफ्ट, आपका घर का सामान भी शिफ्ट करना पड़ेगा। मुझे तो यही लगता है, एमवे से बहुत सारा प्रोडक्ट्स मिलता है ना, कितने कैटेगरी, होम केयर, पर्सनल केयर, न्यूट्रीलाइट, आर्टिस्ट्री, कुकवेयर, ड्यूरेबल, कितने सारे, मगर मुझे लगता है जस्ट 2 कैटेगरीज। ये बिजनेस अगर मैं करूं या ना करूं, मेरा इनकम रहे या ना रहे, मैं बाहर निकलूं या नहीं निकलूं, फिर भी मुझे कुछ प्रोडक्ट्स यूज करना ही है ना, जैसे पेस्ट, साबुन, शैम्पू, घर धोने का कुछ, घर साफ करने का, बर्तन धोने का, कपड़ा धोने का, ये सब तो चाहिए ही। इसको ही कहते हैं FMCG गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। ये अगर हम शिफ्ट नहीं करेंगे,
जो प्रोडक्ट हम इतने दिन यूज कर रहे थे उसको अगर शिफ्ट नहीं करेंगे एमवे प्रोडक्ट में तो ये बिजनेस करना शायद मुश्किल होगा। मैं थोड़ा शायद जोड़ दिया मगर ये सचमुच मुश्किल होगा। और उसके लिए हम लोग पहले भी सिखाते थे पीपीपीपी, पर्सनल प्रोडक्ट परचेज प्रोफाइल, कैसे एक नए को हम उसके बजट में उसका प्रोडक्ट शिफ्ट कराएंगे। ये आप सीख लीजिए जल्दी जल्दी, प्रायोरिटी देकर सीख लीजिए। और कैसे करना है, कैसे जूम में उसको आप सिखा सकते हो। वो जो प्रोडक्ट आप चेंज कराएंगे वो प्रोडक्ट को आप दिखाओ थ्रू जूम, थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म, नॉट ओनली जूम, जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो ये अगर करेंगे उसके घर में अगर प्रोडक्ट यूज होना शुरू होगा तो फर्स्ट 9 कोर स्टेप्स में भी फर्स्ट है ना, एक नंबर पॉइंट क्या है, 100% प्रोडक्ट यूज। प्रोडक्ट हम यूज करेंगे तभी हमको कुछ एक्सपीरियंस होगा, बिजनेस करना आसान होगा। और वही एक्सपीरियंस से मैं किसी को साथ शेयर कर सकूंगी। जैसे आप किसी को किड्स ड्रिंक के बारे में बोल रहे हैं कि बच्चे के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अभी तो इम्यूनिटी भी हो जाएगा, तो बच्चे को दे दो, तो वो क्या आपको पूछेगा उसमें क्या क्या है? वो फर्स्ट आपको क्या पूछेगा कि आप आपके बच्चे को दे रहे हो, है ना? तो मतलब वो भी जानता है कि ये अगर खुद, मतलब ये बिजनेस तो एकदम सच्चाई के ऊपर खड़े हैं, है ना, पूरा ऑनेस्टी बेस्ट। इसीलिए हम लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है तभी हम किसी को प्रायोरिटी दिलाने के हेल्प कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रायोरिटी कैसे देंगे, एक एक क्वाड्रेंट है, एक क्या बोलते हैं, आइजनहावर मैट्रिक्स है, वो मैं शेयर करना चाहती हूं आपके साथ, फिर मैं बोलूंगी। राइट, इसमें क्या लिखा है, कुछ चीज इंपॉर्टेंट होता है और कुछ चीज अर्जेंट होता है। देखिए, स्टार्ट्स हियर, जो चीज इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है उसको अभी करना है, डू नाउ। उसके बाद कुछ चीज नॉट सो अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, उसके लिए आपको प्लान करना है, मतलब डिसाइड करना है कब करना है, अपलाइन से हेल्प लेना है, गोल सेटिंग करना है कि ये हम कब करें। मैं एक एग्जांपल दू, अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम लोगों को सबको काम करना है, इंस्टाग्राम के में पोस्ट देने के लिए एमवे भी बोल रहे हैं, मगर हम लोग यूज टू नहीं है, हम लोग कंफर्टेबल नहीं है, मगर डिसाइड तो कर सकते हैं, प्लान तो कर सकते हैं। उसके लिए वो नॉट सो अर्जेंट, वो अभी देने से अभी अभी आपको कस्टमर या बिजनेस बिल्डर शायद नहीं मिलेगा, मगर इंपॉर्टेंट है, आज से एक साल बाद शायद उसी से आपको पूरा टीम बनेगा। इसीलिए उसको, उसके ऊपर ध्यान देना है, उसको डिसाइड करना है, प्लान करना है। उसके बाद है नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट, इसको थोड़ा मैनेज करना है, आप डेलीगेट भी कर सकते हो, घर के जो काम है वो आप थोड़ा डेलीगेट भी कर सकते हो, और मैनेज करके अगर आप करें तो वो अर्जेंट काम खत्म होने के बाद आप इम्पोर्टेंट जो काम है, इम्पोर्टेंट का मतलब जो बाद में फ्यूचर में हमारा बहुत बड़ा बिजनेस, इस बिजनेस के जरिए मैं बोल रही हूँ, बहुत बड़ा बिजनेस बनाने के लिए हेल्प करेगा, उसको हम ध्यान दे सकते हैं। और कुछ चीज है नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट, मतलब उसको आप डिलीट करो, अवॉइड नहीं, डिलीट, एकदम डिलीट, 4D, डू, डिसाइड, डेलीगेट एंड डिलीट। ओके, इसके बाद मैं वही बोलूंगी, कि अभी क्या क्या करना है, डू व्हाट यू डू,
शांतनु बर्नाली ने बहुत कुछ बोला, मगर डिजिटल प्लेटफॉर्म में फर्स्ट थिंग जो हम लोगों को सीखना है कि कैसे हम जूम में बैठे या डिजिटल प्लेटफॉर्म में बैठे, कैसे हम प्रोडक्ट दिखाएं, कैसे हम इस मोबाइल को रखें। उसके लिए एक ट्राइपॉड खरीद सकते हैं, एक स्टैंड 200-250-400 रुपया ज्यादा नहीं है। कहां हम इन्वेस्ट करें, राइट? पहले हम सैम्पलिंग के लिए इन्वेस्ट करते थे, किसी को प्रोडक्ट देते थे, किसी को बोलते थे कि आप यूज करो, यूज करके मुझे फीडबैक दो। अभी तो वो भी नहीं होगा क्योंकि हम सब घर में हैं। तो हम कहाँ इन्वेस्ट करें? ये वाईफाई में इन्वेस्ट करें, ब्रॉडबैंड में इन्वेस्ट करें, ट्राईपॉड में इन्वेस्ट करें, एक अच्छा सा वर्क प्लेस में इन्वेस्ट करें जहाँ रख के पूरा प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। फॉर्म तो करना ही है, और वो मुझे लगता है आप ऑफलाइन से पूछ लीजिएगा, वो डिजिटली ना दिखा के आफ्टर प्लान एसटीपी आप खुद डेमो दिखाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग सीखे थे ये बिजनेस है हाई टेक एंड हाई टच। उस समय सीखे थे नॉट सो हाई टेक बट हाई टच, तो आज के दिन में ये हाई टेक भी है और हाई टच भी है। और हाई टच हम कैसे कर सकते हैं, जैसे आज हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, हम लोग हमारे अंदर का जो इमोशनल सब कुछ आप लोग देख सकते हो, तो यही है हाई टच। आपको भी आपका इमोशन का, आपको आपका पैशन, ये थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म आप किसी को दिखा सकते हो तो आप बहुत नजदीक आ सकते हो। बर्नाली जैसे बोल रही थी रिलेशनशिप बिल्डिंग, वो सिर्फ फोन पे नहीं होगा, ऐसे भी हो सकता है। तो ये सब चीज में हमको प्रायोरिटी देना पड़ेगा, मगर सब हम जानते हैं इस बिजनेस। अच्छा, अभी पूरा दुनिया का प्रायोरिटी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी में कौन सा आता है? एक है हेल्थ, दो है फैमिली का हेल्थ, है ना, थ्री है इनकम, एक कंटिन्यूअस इनकम आता रहे। ये सब है अभी पूरा दुनिया का प्रायोरिटी। कितने सारे लोगों का नौकरी जा रहा है, कितने का सैलरी का डाउन हो रहा है, तो ये अगर हमारा कंसर्न है, मतलब प्रायोरिटीज है, ये सब तो एमवी बिजनेस से ही मिलता है। हम कभी सोचे हेल्थ का इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रीलाइट का इतना अच्छा सा प्रोडक्ट्स है, हमारे घर के लिए जो हम डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, सब एमवे से मिल रहा है। और अगर ये प्लेटफॉर्म को अच्छा से यूज करना सीख जाए तो घर बैठे कितना बड़ा पूरा इंडिया में बिजनेस कर सकते हो, पूरा नेशनली बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, जैसे पहले हम ज्यादा नहीं कर सकते थे। थोड़ा हिंदी भाषा भी सीखना है, अगर नेशनली बिजनेस करना है तो इसको भी प्रायोरिटी देना पड़ेगा, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है ना। मगर प्रायोरिटी हम क्यों नहीं देते, ये भी तो जानना है। हम जानते हैं ये बिजनेस से सब कुछ मिलता है, फिर भी हम क्यों प्रायोरिटी नहीं देते? उसके तो कुछ कुछ वजह होंगे, है ना। एक्चुअली हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं ज्यादातर, जो लोग घर में है हम लोग, हमारे पास 24 आवर्स है, जाने आने का समय बच गया, बहुत कुछ बच गया, तो टाइम है, इसीलिए हम लोगों को लग रहा है कि बहुत टाइम है, चलो कल प्लान दिखा देंगे, कल एक इनवाइट कर देंगे, कल एक फॉर्म कर देंगे, और ये कल कभी आ नहीं रहा। मैं जानती हूं इधर बहुत सारे लोग हैं जो दिन में 4 प्लान दिखा रहे हैं, मगर ऐसे भी लोग हैं जो ये 4 महीने का लॉकडाउन में 4 प्लान भी नहीं दिखा रहा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट वो सोच रहे हैं कि मैं सीख रही हूं। वो बहुत परफेक्शनिस्ट हैं। जो लोग ज्यादा परफेक्शनिस्ट है, परफेक्शनिस्ट होना बहुत अच्छा है, मगर ज्यादा होना कुछ भी अच्छा नहीं है ना। तो वो सोच रहे हैं कि और भी अच्छा से सीखूं फिर बोलूं, उसका कोई वो खत्म नहीं होगा। आप शुरू कीजिए, शुरू कीजिए, करते करते ही आपका परफेक्शन आ जाएगा। और कुछ लोग
एंजाइटी में प्रोकेस्टिनेट कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, व्हाट्सएप में दोस्त लोग भेज रहे हैं कितने कितने हुआ, कितना पूरा स्कोर बढ़ रहा है, और वो एंजाइटी में शायद उसको लग रहा है शायद मैं रहूं या नहीं रहूं। मेरे कितने डॉक्टर दोस्त, फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, वो लोग बोल मुझे व्हाट्सएप दे रहे हैं कि अगर बचे तो मिलेंगे। मतलब बचे मतलब क्या है, इतना पेसिमिज्म क्यों? हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, ये बिजनेस का जो फोर पिलर्स है उसमें एक है होप। हम अगर होप किसी को नहीं दे पाएंगे तो बिजनेस कैसे बिल्ड करेंगे? तो डोंट बी पैनिक, पैनिक मत होइए। पैंडेमिक है मगर उसके सब कुछ हो जाएगा ठीक। हम लोग एकदम ऑप्टिमिस्टिक है, हम सब का बहुत बड़ा बिजनेस होगा, और इसी समय हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर, सब आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो फॉर योर डायमंड शेप, और जो कुछ अभी तक सीखे नहीं वो रिपेयर भी कर लो, रिपू कर लो, तभी आप बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। कैसे ये प्रोकेस्टिनेशन या ये जो हमारे कमजोरी है, कमजोरी बोल देंगे इसको, इससे हम कैसे छुटकारा पाएंगे? मैं आपको एक दो चार सलाह दूंगी। फर्स्ट सलाह है स्टार्ट टुडे। आपको अगर लगे कल शुरू करेंगे, नो, स्टार्ट टुडे, आज ही करें। आज इस मीटिंग के बाद आप कुछ ना कुछ करिए, बिजनेस बिल्डिंग, नहीं कि बुक पढ़ा या एक सीडी सुन लिया, स्ट्रीमिंग सुन लिया, ऐसा नहीं। बिजनेस बिल्डिंग का काम, किसी को फोन करा किया, किसी को इनवाइट किया, ऐसा कुछ किया, स्टार्ट टुडे। सेकंड, 5 मिनट्स मिरेकल प्लान रूल। आपको मालूम है 5 मिनट में कितना कुछ हो सकता है? हम लोग एवरेज 5 मिनट में लगभग 700 से 750 वर्ड्स बोल सकते हैं। एक 5 मिनट प्रेजेंटेशन में बहुत, ये 750 वर्ड्स का एक प्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। 5 मिनट में आप 5 ईमेल कर सकते हो। 5 मिनट तक आप किसी को एडिफाई करोगे ना तो लोग सोचेगा कि फ्लैटर कर रहे हो। इतना समय है 5 मिनट। 1 घंटा में कितना 5 मिनट है? 12। पूरा दिन में 24 घंटा में 288 5 मिनट्स है, सोचिए। और 288 5 मिनट्स में अगर ओनली 8 5 मिनट्स हम ले फॉर बिल्डिंग दिस बिजनेस, मतलब 40 मिनट्स आप एक साथ भी यूज कर सकते हो। एक एसटीपी 40 मिनट्स, एक पॉम 40 मिनट्स, आप अलग अलग तरीके से भी यूज कर सकते हो, सुबह, दोपहर, शाम, रात, 4 टाइम 10 मिनट करके भी यूज कर सकते हो। 5 मिनट्स रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इस्तेमाल कीजिए। वीकली रिव्यू, क्या काम कर रहे हो उसका वीकली रिव्यू करिए। प्लानर यूज करिए और अपलाइन के साथ हर वक्त बात करिए, अपलाइन के गाइडेंस लीजिए। एक्चुअली ये प्रायोरिटी एंड कुछ चीज पोस्टपोन करना, जैसे कौशिक बोल रहा था, ये एक कॉइन का दो साइड्स है। आप कुछ, आप इस बिजनेस को प्रायोरिटी देंगे, इसका मतलब कुछ चीज ऑटोमेटिकली पोस्टपोन हो जाएगा। और मैं यही चाहूंगी हम सब लोग ADHD टीम का सोल्जर्स, हम लोग 1000 करोड़ क्या उससे भी बहुत ज्यादा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। वो ही हमारा मिशन है, वो ही हमारा विजन है। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। A70 में सबको जाना है डायमंड बन के, और वी आर वेरी मच एक्साइटेड। विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड, एंड ओवर टू माय बेस्ट फ्रेंड कौशिक। ओके, सुबह ने बोला कि शुरुआत कैसे होगा, तो हम लोगों ने प्लान कर लिया कि हम जिंदगी में क्या चाहते हैं, पहले क्या चाहते हैं, उसके बाद क्या चाहते हैं, ऐसे धीरे 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 हम प्लान कर लिया, उसके हिसाब से एक्शन का
प्लान भी हो गया गोल सेट करके। अभी एक्शन प्लान करने के बाद हम लोगों को काम करना है, फिर सीखना भी है, दोनों एक साथ चलेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सीखेंगे, वो सीखना है और काम करना है, दोनों एक साथ चलेगा, तभी काम ठीक ठाक होगा। तो सीखते वक्त अभी का जो सिचुएशन है, अभी सीखने के लिए प्रायोरिटी, हम लोग सीखते कहां से? चार जगह से, एक बुक्स, एक ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग, थर्ड है मीटिंग फंक्शन, एंड फोर्थ आप लोगों के साथ काउंसलिंग। लेकिन ये जो बुक्स है ये ऑनलाइन में मिल सकता है, अभी मिल सकता है, बहुत सारे जगह में एसेंशियल नॉन एसेंशियल सब जा रहा है, तो बुक ऑफ द मंथ लीडर के पास रहना है, बुक ऑफ द मंथ, तो बुक ऑफ द मंथ आ जाएगा उसके पास, नहीं तो आपके अपलाइन में जो बुक्स रिकमेंड कर रहा है वो देखिए, और बुक्स में प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन जो डिप्रेशन अभी के सिचुएशन में आता है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स हम लोगों को हेल्प करेगा उससे बाहर निकलने के लिए। वहां बहुत सारे टिप्स है कैसे हम वहां से बाहर निकल सकते हैं, पहले वो इतना जरूरत नहीं था लेकिन अभी तो जरूरत है, और भी जरूरत है ज्यादा। सो अपलाइन को पूछिए कौन सा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड किताब पढ़े और पूरा एकदम पॉजिटिव माइंडसेट लेकर हम काम करें, नेगेटिविटी पूरा भगा दें। फिर दूसरा जो है ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग, वो अभी आपको प्रायोरिटी देना है टेक्नोलॉजी पैक। टेक्नोलॉजी पैक में हम लोगों को एक स्ट्रीमिंग ₹3 में मिलता है, जो बेसिक पैक स्टार्टर पैक। सब अप्लाई को पूछिए, जो लोग लीडर है वो उसके पास ऑलरेडी है, टेक्नोलॉजी पैक टीम में खूब प्रमोट करिए, क्योंकि सीखने का अभी एक बहुत बड़ा जगह ही है, हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं, खजाना है बिट सिस्टम, जहां पर सक्सेसफुल लोग उनके अपना एक्सपीरियंस वो पूरा सिखा देता है, दूसरा किसी फील्ड में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो लोग सक्सेसफुल है वो पूरा सिखा देता है सबको कि कैसे मैंने सक्सेसफुल हुआ, उससे सीखिए। अब जिसको रिलेट करेंगे उससे सीखिए, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, सब प्रोफेशन के लोग हैं यहाँ सक्सेसफुल। और तीसरा जगह है जो बहुत इंपॉर्टेंट था हम लोगों के जिंदगी में, मीटिंग फंक्शन। हम लोग तो बिजनेस बिल्ड किया था फंक्शन और मीटिंग के जरिए, मिस कर रहे हैं बहुत, फिजिकल मीटिंग मिस कर रहे हैं, लेकिन जूम मीटिंग है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, जूम मीटिंग बोलना ठीक नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम लोग कभी मिल सकते हैं, हम मीट कर सकते हैं, लेकिन देखिए जो बेसिक रूल है ना वो हर वक्त रहता है। यहाँ भी प्रायोरिटी का एक रूल है, ब्रिट सिस्टम में सिखाता है, अगर मैंने मेरा मीटिंग रखा और मेरा अपलाइन ने बोला कि अचानक बोला कि परसों हमारे एक मीटिंग है और उस दिन मैंने एक मीटिंग रखा था, उसी वक्त जिस वक्त हमारे अपलाइन ने बोला ये मीटिंग होगा 7:30 और मैंने भी 7:30 एक एसटीपी रखा है, तो मैंने क्या करूं, एसटीपी करूं या ये करूं? मैं अपलाइन को पूछूं एक बार, चेक कर लूं, अगर अपलाइन बोला कि नहीं ये तुम्हारा प्रायोरिटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसटीपी का टाइम तुम इधर उधर चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं अपलाइन का मीटिंग को प्रायोरिटी दूंगा। तो यहाँ ये है मेरा मीटिंग, उसके ऊपर है अपलाइन का मीटिंग, फिर है ब्रिट का मीटिंग, मैं ये जो है ये प्रायोरिटी का हायरार्की है, इसको फॉलो करना ठीक रहेगा। जब हम अपलाइन के मीटिंग में अटेंड करेंगे तो खुद का मीटिंग तो पोस्टपोन हो गया, राइट? जो बोल रहा था ना, एक ही कॉइन का दो साइड है, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हम एस्टिमेट कर रहे हैं और अपलाइन का ट्रेनिंग भी अटेंड कर रहे हैं, हमको लगेगा कि ट्रेनिंग तो बहुत ट्रेनिंग लिया है, क्या बोले थे, लेकिन एसटीपी हमारा दो गेस्ट वो ज्वाइन करने वाला था, प्लान दिखाने से हो जाता, और अभी इस महीने हमारा जो गोल सेट किया है वो मिलने के लिए अभी ज्वाइनिंग चाहिए हमको,
सही बात है, हम लोग भी बिजनेस का बचपन में ऐसा किया था। देवाशीष ने हमको बोलता था कि आज अशिताबदा का ट्रेनिंग है, दमदम में ट्रेनिंग है, चले आओ। हम लोग कलकत्ता में रहते हैं, हम भूल गया, हम लोग सोचते हैं कि कलकत्ता में मीटिंग कर रहे कि पूरे इंडिया देख रहे हैं, हम लोग कलकत्ता में है, कलकत्ता में रहते हैं। तो हम लोग जहाज पर रहते हैं पूरे उनका ऑपोजिट साउथ में, साउथ कलकत्ता, और पूरा नॉर्थ में है। और संडे का छुट्टी का दिन हमारा बिजनेस का प्राइम डे था, सारे दिन हम प्लान दिखाते थे, बिजनेस मीट करते थे, वही करते थे। तो हम लोग सोचा कि अब ट्रेनिंग लेने के लिए जाएंगे तो ये संडे चला जाएगा आपको, और वो प्लान दिखाने के लिए हम रेडी है वो नहीं होगा, इसलिए मैंने प्रोकेस्टिनेट करता, प्रोकेस्टिनेट नहीं, अप्लाइंग को बोलता था ये है वो है, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज। जो लोग एक्सक्यूज देते हैं ना, वो एक्सक्यूज हम लोग भी दिया है, लेकिन समझ में आने के बाद हम लोग चेंज कर दिया। तो अप्लाइंग देवाशीष ने हमको एक बात बोला था, देवाशीष ने ही बोला था कि देखो दिवाली इस ट्रेनिंग में क्या होता है मालूम है, मतलब दिवाली में हम लोग जो पटाखा खरीदते हैं, एक एक पटाखा एक एक किस्म का है। कुछ पटाखा है जो नीचे से आग लगाना पड़ता, किसी का ऊपर से आग लगाना पड़ता, किसी का साइड से आग लगाना पड़ता हा? तो अलग अलग पटाखा है, अलग अलग तरीके से जलता है, उसके जलाने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म है। तुम भी जो प्लान दिखा रहे हो, टीम में लोग आएगा, एक एक लोग को एक एक तरीके से मोटिवेट करना है, किसको कैसे करना है वही ये ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। जैसे अगर तुम वो पटाखा सही तरीके से नहीं चला सकते हो तो पटाखा क्या होगा, फूटेगा नहीं। यहाँ भी तुम्हारा टीम में लोग आएगा, लेकिन तुम अगर उसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हो तो क्या होगा, उसमें से लीडरशिप नहीं निकल के आएगा, वैसे लोग ही लोग रह जाएगा, लोग आएगा लोग निकल जाएगा। ट्रेनिंग मीटिंग में वही सिखाया जाता है कि तुम कैसे पीपल को हैंडल करोगे, तुम्हारा टीम को बड़ा करोगे। तो तब से क्लियर हो गया कि ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना है और अप्लाइंग का जो मीटिंग है इसको प्रायोरिटी देना है। मेरा एसटीपी एक घंटा बाद भी हो सकता है, एक दिन बाद भी हो सकता है, जिसका ज्वाइनिंग करना हो तो ज्वाइनिंग करेगा। सो ये बात याद रखिए, जे अभी तो हम लोगों को फिजिकली काम नहीं करना पड़ रहा है, जाने का टाइम बच गया है। सो अपलाइन का अगर मीटिंग है तो हम पोस्टपोन करेंगे खुद का मीटिंग, दैट्स इट। और एक लीडरशिप मीटिंग में राजस्थान ने बताया था कि अभी हमारा टीम बन रहा है, टीम में कहाँ काम करूं, अभी तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर, जो लोग लीडर है यहाँ पर सुन रहे हैं वो आप नया हो या पुराना हो, आपको डायमंड जाना है तो 6 लेग को लेकर तो काम करना है, लेकिन स्ट्रक्चर तो बना लिया आपने, स्ट्रक्चर को प्रायोरिटी देना है। ऐसा नहीं है कि अभी एक लेग चल रहा है उसके ऊपर ध्यान देते हैं बाकी कुछ नहीं करते, हम लोगों को स्ट्रक्चर बनाना है। अभी 3 लेग नहीं होने से तो पैसा भी नहीं आएगा, 9% लेवल में भी हमारा इनकम कम हो जाएगा, 9% 12% 15% से लेकर 9% से शुरू हो आपका स्ट्रक्चर। अगर 3 लेग नहीं है तो आप कम इनकम होगा आपको, सो 3 लेग से तो नहीं होगा, कम से कम 4 लेग बना लेना है, फिर जब आप सिल्वर बनेंगे तो 6 लेग बना लेना है। लेकिन 3 लेग को लेकर हम प्रायोरिटी देकर काम कर सकता है, कौन सा लेग को हम प्रायोरिटी देंगे वो भी अपलाइन के साथ काउंसलिंग करके तय करना है, प्लानिंग करना है, कौन सा लेग को लेकर हम ज्यादा टाइम काम करेंगे, कहां पर थोड़ा कम देंगे, उसको सिस्टम में टच कर देंगे। राजस्थान ने ये बोला था कि हम लोग एक गलती कर रहे हैं प्रायोरिटी में, हम 80% बिजनेस जहां से आता है वहां 20% टाइम देता है, जहां पर 20% बिजनेस आता है वहां पर 80% टाइम देता है, सोचता है कि ये काम नहीं कर रहा है इसको कराएंगे, एक जिद आ जाता है। हम नए लोग ढूंढते नहीं, जो नहीं कर रहा है उससे निकलने का कोशिश करते हैं बिजनेस, लेकिन उसका प्रायोरिटी कुछ अलग है, वो हम लोगों को बोल नहीं रहा है, उसका प्रायोरिटी अलग है, हम समझ नहीं पा रहा है, इसलिए हम उसको लेकर पड़े हैं, 80% टाइम हमारा वहां पर दे रहा है और वो पानी में जा रहा है। हम लोगों को 80% काम वही करना है जहां लोगों का प्रायोरिटी है बिजनेस में,
लोग जहां काम करना चाहते हैं उन लोगों को लेकर 80% काम, और जो धीरे धीरे करना चाहते हैं उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करके सिस्टम में टैग करके उसको मोटिवेट करने का कोशिश करके उसका ड्रीम जगाने का कोशिश करके 20% काम। ये हमने सीखा था उस वक्त। और प्रायोरिटी में और एक चीज है कि हमारा जो प्लानर है, प्लानिंग हम क्या करेंगे, कहां पर कितने प्राइम टाइम, हमारा जो प्लानर है इसमें प्राइम टाइम है सैटरडे संडे अभी भी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। अगर प्रोफेशनल लोगों को बिजनेस में चाहिए ना तो वो वर्क फ्रॉम होम में रहेगा तो सैटरडे संडे उसको फ्री मिलेगा। तो हम प्राइम टाइम में कौन सा जगह में काम करेंगे, कौन सा लेन में, कौन सा जगह में, कौन सा ग्रुप में, इसका प्लानिंग करना है। उसी के हिसाब से आपका कैलेंडर पूरा करना है, हर रोज कैलेंडर बुक करना है कहाँ पर हम काम करेंगे, वीकेंड में कहाँ पर काम करेंगे, वीकडे में कहाँ पर काम करेंगे, जो इवनिंग में प्राइम टाइम है उसमें कहाँ पर काम करेंगे, इसका भी प्रायोरिटी आपको देना है। ओके। और उसके बाद है कि हम जब कम्युनिकेशन करते हैं सीखने के लिए अपलाइन के साथ, ये जो सब प्लानिंग हम करेंगे ना, ये अपलाइन के साथ काउंसलिंग करके करेंगे। हम भूल जाते हैं बीच बीच में कि अपलाइन तो अपलाइन है, लेकिन हम अगर टीम के साथ ज्यादा कम्युनिकेट करेंगे तो पीवी ज्यादा आएगा। गलत प्रायोरिटी होगा अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन। अगर अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हमको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, फिर भी रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होगा, हम कहीं जाकर अटक जाएंगे। कुछ भी करने के पहले अपलाइन के साथ एक बार काउंसलिंग करके आप प्लानिंग करिए, और हर रोज कुछ ना कुछ बहाना के आप अपलाइन के साथ बात करिए, कुछ हुआ नहीं हुआ अपलाइन के साथ एक बार कम्युनिकेट कर लीजिए 2 मिनट के लिए। सही बात यही है, यही हम लोगों ने सीखा था कि अगर अपलाइन जब तुम बात करोगे तो कुछ उनके आइडिया आया वो तुमको बोल देगा, लेकिन तुम अगर नहीं फोन किया तो दूसरे किसी ने फोन किया उसको दे देगा। अगर तुम पहले वो आइडिया तुमको मिल जाता तो पहले इसको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ सकता था। ये है, हम लोग सोचते हैं कि अपलाइन से क्या मिलेगा, जब अगर कोई सिचुएशन होगा, कोई चैलेंज होगा, तब अपलाइन को फोन करके सोल्यूशन मांगेंगे। जब तक ना रोना आएगा तब तक आप लाइन को फोन करने का जरूरत नहीं है। अभी तो हंसी का दिन है, अभी तो मजे में है, अभी डाउनलाइन को लेकर ही चलते हैं, उसके ऊपर दादागिरी करते हैं। ये हम सोचते हैं कि उसके ऊपर हम अगर दादागिरी करते हैं तो बस थोड़ा लीडर लीडर लगेगा उसको, लेकिन वो लीडर बनने के लिए भी आपको फॉलोअर बनना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आप लाइन के प्रायोरिटी देना पड़ेगा। अपलाइन कम्युनिकेशन ऑलवेज प्रायोरिटी। अगर अपलाइन का फोन आया तो डाउनलाइन से बात कर रहे हैं तो कर दीजिएगा, हम वही करते हैं, बाद में होगा फोन, बाद में यही बोलेंगे कि अपलाइन फोन किया था इसलिए कर दिया, वो भी सीख जाएगा, नहीं तो वो भी आपको डुप्लीकेट कर देगा। और ये कोई भी कम्युनिकेशन टीम में करने के पहले अगर अपलाइन के साथ बात कर लिया तो वो कम्युनिकेशन सही रहेगा। अचानक कुछ आ गया हमको आइडिया, टीम में बोल दिया, अपलाइन के साथ काउंसलिंग नहीं किया, क्या होगा? हो सकता है वो आइडिया अच्छा है, हो सकता है आइडिया फ्लॉप है। अगर फ्लॉप है तो पूरा जब तक ना उसके हम बुरा असर देखेंगे कि हाँ टीम में इसका कुछ नहीं हुआ या कुछ खराब हुआ, तब हम अपलाइन को बोलेंगे कि ऐसा किया था, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन वो पहले एक बार अपलाइन का हम चेक कर लेते तो ठीक होता। कार्डिनल रूल्स है ना हमारे, वो कार्डिनल रूल्स में नंबर वन जो कार्डिनल रूल है वो प्रायोरिटी में नंबर वन है, नेवर डू एनीथिंग न्यू फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। अपलाइन को चेक ना करके कुछ भी मत करिए, ये पहले एक बार चेक कर लेना। और हम लोग अगर सभी काम करने के पहले अपलाइन को चेक कर लेते ना तो बाकी जो कार्डिनल रूल्स है वो हम ऑटोमेटिकली फॉलो कर लेंगे, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम कार्डिनल रूल ब्रेक कर दिया, क्योंकि वो पहले हम अगर अपलाइन को पूछ लेंगे वो नंबर वन जो कार्डिनल रूल है नेवर डू एनीथिंग न्यू फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर अपलाइन, हर काम अगर चेक करके करें ये प्रायोरिटी हम दे तो
सब कार्डिनल रूल इंटैक्ट रहेगा, हमारा टीम इंटैक्ट रहेगा, हमारा टाइम भी बर्बाद नहीं होगा, एनर्जी भी बर्बाद नहीं होगा, मनी भी बर्बाद नहीं होगा। ये सिखाया गया बिट सिस्टम। और फिर अभी का सिचुएशन में और एक प्रायोरिटी देना है, क्योंकि हम लोग सब सोशल मार्केटिंग कर रहे हैं, अभी सीख रहा है, कोशिश कर रहा है, कोई फेसबुक में, कोई इंस्टाग्राम में, कोई यूट्यूब में, अपने मर्जी में जो कुछ कर देते हैं, जो कुछ डाल रहे हैं अपना, जैसे ये जो कुछ डालेंगे उसमें ही मार्केटिंग हो जाएगा। इतना आसान नहीं है, ये एक साइंस है, लोग सीखते हैं इसको और इसके एक्सपर्ट्स है, ये पढ़ाया जाता है, अभी ये इसके काफी सारे कोर्सेस है। और इसके साथ साथ एमवे का रूल्स एंड रेगुलेशन भी जानना है, कार्डिनल रूल कहीं पर ब्रेक ना हो जाए वो भी जानना है, सोलर चेक क्विटी और अपलाइन, जो कुछ पोस्ट करेंगे सोशल मीडिया में उसके पहले अपलाइन के साथ एक बार काउंसलिंग कर लीजिए, ये मैं पोस्ट करने जा रहा हूँ, ये मैं पब्लिक एक मीटिंग करने जा रहा हूँ, ये मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम में ये वीडियो डालने वाला हूँ, फेसबुक में ये डालने वाला हूँ, क्या ये स्पैम तो नहीं हो जाएगा? एमओए ने बोल दिया स्पैम, नो नो, ये हमको देखना है। ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करना अच्छा है, करना पड़ेगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, लेकिन ये भी सीखना है क्या क्या नहीं करना है। और जब तक आपको आप ये नया चीज है, we are doing new thing, तो अगर हम लोग भी सीख रहे हैं तो अपलाइन को चेक करना है। हमारे जो एमओए के जो लोग है इसके बारे में जो देखभाल करते हैं उसको चेक करना है, क्या मैं सही कर रहा हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। कर देने के बाद एमओए से चिट्ठी मिलने के बाद अप्लाई को पूछने से कुछ नहीं होगा, ऐसा चिट्ठी आ गया ऑलरेडी सोशल मीडिया में, गलत पोस्टिंग करने के लिए एमओए ने चिट्ठी दिया, लेकिन जब चिट्ठी मिला तब उनको अप्लाई को भी बोलना पड़ता है, उसको भी बोलना पड़ता है, गलती हो गया माफ कर दीजिए गरीब आदमी। लेकिन अगर हम पहले ही अपलाइन को चेक कर लेते तो गरीब आदमी बनने का जरूरत नहीं होता, अमीर ही बन सकता। सो बी क्लियर, यहाँ पर हमको सोशल मार्केटिंग करना है, सोशल मीडिया यूज करना है, लेकिन सही तरीके से करना है, नो एमओए रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक करके नहीं, और प्रायोरिटी देखते कार्डिनल रूल ब्रेक करके नहीं। ये प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी है रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन करके सोशल मार्केटिंग करना, जैसे भी नहीं करना। और एक चीज है, यहाँ पर जब से ये हम लोग घर से घर में बैठ गए हैं और सोशल मीडिया सीख रहे हैं इस्तेमाल करना बिजनेस के लिए, बहुत सारे लीडर्स अपना अपना यूट्यूब चैनल किया है, फेसबुक लाइव कर रहा है, यूट्यूब लाइव कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, हम लोग भी यूट्यूब लाइव कर रहे हैं, ये जिनको हमने लिंक भेजा है उसको मिला है, लेकिन बहुत सारे लिंक ऐसे भी अवेलेबल है और हम लोग फॉलो भी कर सकते हैं क्रॉसलाइन लीडर्स को, बड़े बड़े लीडर्स है और उनका सीडी हम सुनते हैं, सुने हैं, अभी स्ट्रीमिंग सुनते हैं, ब्रिट फंक्शन सुना है, मेगा फंक्शन देखा है, मेगा फंक्शन में उनको देखा है, तो बहुत सारे लोग फेसबुक पे उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट दे देते हैं और फ्रेंड भी हो जाते हैं, किसी ने इंस्टाग्राम में उसको फॉलो कर रहे हैं, किसी ने ट्विटर में उसको फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब में उनका चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, कुछ भेज सकते हैं। और यहाँ से क्या हो सकता है, ग्रिड सिस्टम एक 6-lane highway है और वो हाईवे में आप गाड़ी चला सकते हैं 6 lane में, आप लेफ्ट साइड में भी गाड़ी चला सकते हैं, राइट साइड में भी चला सकते हैं, बीच में भी राइट साइड में, सब जगह में लेन है। और एक एक लीडर अपने टीम के सिचुएशन के हिसाब से, अपने टीम के जो लोग हैं उनके बैकग्राउंड के हिसाब से अपना प्लानिंग करता, उसी के हिसाब से अपना जो फंक्शन है वो करता, वो ऐसे कम्युनिकेट करता, सोशल मीडिया में भी वही कर रहा है, वो प्लानिंग करके कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन वो अपना टीम के लिए प्लानिंग कर रहा है, वो हम लोगों के बारे में मालूम नहीं है उनको, हमारे अपलाइन को मालूम है हमारे टीम के लिए क्या प्रायोरिटी है, हमारे लिए क्या करना सही है,
हम लोगों के लिए कौन सा स्ट्रेटेजी होगा, उसी के हिसाब से हमारे अपलाइन ने अपना जो चैनल ये विजन 23 चैनल बनाया यूट्यूब का, इसमें सब्सक्राइब करिए, इसके देखिए इसमें क्या क्या वीडियो है, विजन 23 का वेबसाइट यूज करिए, उसमें देखिए क्या क्या मटेरियल है। आपके अपलाइन के जो चैनल होगा वहां पर आप सब्सक्राइब करिए, उनके आप फ्रेंड लिस्ट पे रहिए, उनके इंस्टाग्राम में फॉलो करिए, क्रॉस लाइन को फॉलो करके आपका कोई ये नहीं है कि बेनिफिट होगा, हो सकता है खराब भी हो सकता है, इसमें और सारे भी बहुत सारे खराब भी हो सकता है। ऐसे भी देखा गया कि हम लोग को मालूम नहीं है कि हम लोग किसी के तीतर कर रहे हैं, ये भी बोला कि हम लोग को मालूम नहीं है हमारे ग्रुप भी चला गया क्रॉस लाइन में, कहां कहां से क्या हो जाता है। ऑलवेज चेक इट योर अपलाइन, ऑलवेज फॉलो योर अपलाइन, आपके अपलाइन को फॉलो करो, ये सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। आपको तो ये बहुत जानकारी देनी चाहिए, आपके अपलाइन जो सिखा रहा है, ग्रिड सिस्टम जो सिखा रहा है वो काफी है, बहुत ज्यादा जानकारी होने से क्या हो जाएगा मालूम है, हम कुछ नहीं सिखा पाएंगे, पूरा कंफ्यूज हो जाएगा हमारा टीम। क्योंकि अशिताभ दा ने एक बात बोला, सुभाषिश दा ने एक बात बोला, और आपने एक बात बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, कौन सा चीज अपनाएंगे, कौन सा सही है, हम लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो हमारे टीम के लोग है वो कंफ्यूज हो जाएगा, तो बिजनेस बढ़ेगा कंफ्यूजन में, नहीं बढ़ेगा। सो बी प्रिपेयर, आपको भी इसके लिए तैयार होना है, क्योंकि ये भी होगा और ये भी कार्डिनल रूल ब्रेक है। अपलाइन को चेक ना करके, अपलाइन को फॉलो ना करके क्रॉस लाइन, हम लोग क्रॉस लाइनिंग को बहुत ही ये बोलते हैं कि क्रॉस लाइन नहीं करना है, क्रॉस लाइन के साथ हमारे दोस्ती रहना है, दोस्त दोस्ती रहेगा, क्रॉस लाइन को हम हाई हेलो करेंगे। आज भी हमारे क्रॉस लाइन जो है इनके साथ हमारे बहुत सारे काफी बढ़िया रिश्ता है, लेकिन इनके साथ हमारे ऐसा नहीं है कि हम उनके मीटिंग में घुस जाए, इनको हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे, इसका जो चैनल में जो टेलीकास्ट हो रहा है, इसका जो मीटिंग हो रहा है उसमें हमारा लोग घुसा दे, ये ठीक नहीं है। ठीक है, और सबसे बड़ा बात है प्रायोरिटी देने के मामले में, सबसे बड़ा बात है टीम को प्रायोरिटी देना है, खुद को नहीं, क्योंकि ये बिजनेस टीम गेम है, टीम को प्रायोरिटी देना है, खुद को नहीं, अपलाइन को प्रायोरिटी देना है। मैं मेरा टीम में मैजिक नहीं हूं, मेरा अपलाइन मैजिक है, ओके, ब्रिट सिस्टम मैजिक है, उसको अगर अप्लाई करूंगा सही तरीके से हो जाएगा। तो हमारे जो अपलाइन का ड्रीम है, मिशन है विजन 23, इसमें हमारा क्या काम है, हम लोग अपना गोल सेट करेंगे, अपना प्रायोरिटी सेट करेंगे कि हम क्या कंट्रीब्यूट करेंगे इसमें एज टीम मेंबर। विजन 23 में जो 1,000 करोड़ होगा उसमें हमारा क्या योगदान है, मेरा टीम का, हमारे टीम का क्या योगदान रहेगा, ये हम तय करेंगे और उसी प्रायोरिटी के हिसाब से हम काम करेंगे। अगर हमारा क्या योगदान है ये अगर हमने प्रायोरिटाइज कर लिया तो हमारा बिजनेस भी आगे बढ़ेगा, जिंदगी चेंज हो जाएगी, जिंदगी पूरा चेंज हो जाएगा। अभी जब शुरू हुआ था किरीटी ने बोलना था 1,500 प्लेटिनम चाहिए, अगर आपने ये प्रायोरिटी सेट कर लिया कि ये टीम के लिए मेरा योगदान, मैं भी प्लेटिनम बनूंगा, मैं सफायर बनूंगा, मैं एमराल्ड बनूंगा, इसका मतलब क्या है, मैं खुद प्लेटिनम बनूंगा या मेरे नीचे 2 प्लेटिनम और बनेगा, मेरे नीचे 3 प्लेटिनम बनेगा, ये मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा। आप अगर ये टीम के पार्ट बन जाइएगा, विजन 23 का विजन आप खुद अपनाएगा तो आपका बिजनेस भी बड़ा हो जाएगा। आप भी देखिएगा 2023 में आप प्लेटिनम हो सकते हैं, आप कोई एमराल्ड हो सकते हैं, कोई डायमंड हो सकता है, कोई बियॉन्ड जा सकता है। तो ये बड़ा विजन जो अपलाइन ने देखा है, उनके जो मिशन है, आइए हम सब मिलकर उसके साथ जुड़ जाते हैं और उसी को प्रायोरिटी देते हैं। right. हम खुद को भूल जाते हैं, हम टीम को प्रायोरिटी देते हैं। हमारे अपलाइन का टीम वो हमको लेकर ही बना है, हम सबको लेकर बना है, टीम सबको लेकर बनता है लड्डू। Together each achieve more. हम सब उसका हिस्सा है,
टीम अगर कुछ अचीव करेगा तो हम लोगों का खुश, हम लोग भी सेटिस्फाइड हो गए, हम लोग सोचेंगे कि हम लोग जीत गया। जैसे कुछ लोग, कुछ टीम का सपोर्टर, जब इंडिया टीम का हम सपोर्ट करते, जब किसी फुटबॉल टीम का हम सपोर्ट करते, तब हम क्या सोचते हैं, हम उस टीम का हिस्सा है, वो टीम जीतता है तो हम लोग भी बहुत सेटिस्फाइड होते हैं। जर्सी पहनते हैं ये सब पहनना, ये हमारा टीम का जर्सी है, ये टीम का बैज है, और ये सब बैज पहन के हम लोग उसी टीम का हिस्सा बना, और ये टीम हमारे सामने सबसे बड़ा थीम है कि हम क्या कर सकते हैं। ये टीम अगर जीतेगा, टीम का मिशन अगर सक्सेसफुल होगा, हम लोग भी सक्सेसफुल होंगे। सो हमारे अभी प्रायोरिटी वही है, बाकी सब कुछ हम पोस्टपोन करेंगे, जो जो चाहिए हम पोस्टपोन करेंगे। हमारे एक ही मिशन है कि भीषण 23 को सक्सेसफुल करना, एडीएसजी टीम टॉप, और हम लोग सारे सारे दुनिया में हमारे टीम का झंडा लहराएंगे, सबसे ऊंचा ले जाएंगे। थैंक यू, ओवर टू होस्ट। थैंक यू कौशिक दशवादी, बिग हैंड फॉर यू। आज हम सब बहुत कुछ सीखे हैं, तो आज ये प्रोग्राम यहीं पे एंड करते हैं। सबके लिए गुड नाइट।